दोस्तों असी इस टाइम लाइव मौजूद हाँ हरियाणा के झांसा हेड से जिथे महज 20-25 मिनट पहले आ सरदार जी इन्हों का नाम प्रीतपाल सिंह और शाहबाद के रहन वाले ने और सन्यारे का काम करते ने जो अपनी एक्टिवा लैके शायद अज अपनी जीवन लीला समाप्त करन अपनी एक्टिवा के उत्ते नहर से पहुंचे सन। लेकिन इन्हों ने दोस्तों कमाल की गल इन्होंने एक फोन किया मैनू कि प्रगट भाजी मेरा नाम प्रीतपाल सिंह सन्यारे का मैं काम करदा और शाहबाद का मैं रहन वाला वा और मेरे अंदर अज बहुत वड्डा गुबार है बहुत वड्डी परेशानी है और मैं झांसा नहर के उत्ते खड़ा और तुहानू सिर्फ 25 मिनट देना आखिरी फोन मैं सिर्फ तुहानू किया अपने परिवार तो भी वध के समझिया और 25 मिनट मैं तुहानू देना अगर कुरुक्षेत्र तो 25 मिनटा दे विच नहर किनारे पहुंच के मेरी जान बचा सकते हो तो बचा लो नहीं तो मेरा इस दुनिया दे विच आखिरी गल होएगी आखिरी कॉल होएगी उस तो बाद मैनू नहीं पता मेरी लाश दे नाल की होना अगर 25 मिनटा जा सकते हो तो मैनू जिंदा बचा लेना और लाइव करना और अपना जो लाइव फेसबुक परिवार है उहदे नाल सानू जोड़ना नहीं था जदों मेरी नहर दे विचों लाश कढोगे उस तो बाद मेरा लाइव जरूर करना। लेकिन दोस्तों मैनू खुशी है मैनू प्राउड है अपने सतगुरु दे उत्ते अल्लाह दे उत्ते राम दे उत्ते जिन्हां ने मैनू छोटा जिहा गुण दिता है तैराकी का और अज मेरी वह तैराकी मेरी वह हुनर मेरी वह काबिलियत सफल हुई। एक होर सरदार जी की जान बचाण दे विच मेरी टीम सफल हुई जो टीम लाइव दे विच पहुंची है साथी सिंदर नरिंदर गुरविंदर मामू राम किरमत जी सुरेंद्र जी और मेरे गुरु जी रिंकू सुरेंद्र जी। सो भाजी नाल भी गलबात करांगे सब तो पहला मैं भाजी का प्रीतपाल सिंह जी का धन्यवाद करदा जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करन तो पहले मैनू 25 मिनट दिते कि अगर मैनू बचा सकते हो तो बचा लो और मैं उन्हां 25 मिनटा तो दोस्तों कुरुक्षेत्र तो तकरीबन 25 किलोमीटर अपनी टीम दे नाल झांसा पहुंची और जदों नहर ते वेख्या कि सरदार जी नहर दे उत्ते खड़े सन आ इन्हां दी एक्टिवा खड़ी है और वह साडी मोटरसाइकिल है जिदे ते असीं इन्हां कोल पहुंचे। सो अपील कि फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह नाल जुड़ो और ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो नूं इस खबर नूं शेयर जरूर करो ताकि यह समाज वास्ते बहुत वड्डा एक मैसेज बन सके। भाजी कहिंदे प्रगट सिंह 25 मिनट च पहुंच सकदे हो तो मेरी जान बचा लो नहीं तो मैं इस दुनिया नूं अलविदा कर जाऊँगा। और आण के इन्होंने यह भी गल किया कि मैं 25 मिनट भी तुहानूं तां दित्ते सी क्योंकि मैं फेसबुक ते तुहाडी वीडियो वेखदा तुहाडे नाल जुड़िया तुसीं लोकां नूं अपील करदे हो कि प्लीज़ छोटियां छोटियां गल्लां नूं लैके आत्महत्या ना करो अपनी जिंदगी जीवो अपना जीवन बचाओ लेकिन अज मेरा दर्द तुसीं सुनो नहीं तो 25 मिनटां बाद पुलिस नूं फोन करके मेरी एक्टिवा दे देना एक्टिवा तो बाद मेरा परिवार इत्थे पहुंचेगा उस तो बाद मेरी लाश पता नहीं कुरुक्षेत्र कनाल पानीपत सोनीपत मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो भाजी होरां दा मैं पहलो धन्नवाद करना जिन्होंने एडा समझदारी का फैसला लिया मैनू 25 मिनट दिते अपने परिवार तो भी वध के मेरे ते यकीन जताया मरण तो पहलो आत्महत्या करन तो पहलो कॉल किया और मेरी टीम का मेरे गुरु जी का भी धन्यवाद क्योंकि असी भी 25 मिनटा च पहुँच गए। सो लाइव के नाल जुड़े रहना और ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो नू शेयर जरूर करी जाना भाजी ना गलबात भी करांगे। भाजी सब तो पहलो तो सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है मैं शाहबाद निवासी हाँ तो इतने झांसे के नेड़े ही कि कारोबार किसी पिंड कारोबार करना हाँ। मैं पिछले एक महीने तो घरेलू किसी दिक्कत तो परेशान बड़ी परेशानी सी अज मैं फैसला किया मैं सुसाइड कर ला पर रस्ते आते आते महाराज ने सोझी पाई भी नहीं ये काम गलत है पिछों परिवार का की बनेगा तो मैं प्रगट भाजी को फोन किया भी मैं झांसे नहर से खड़ा हाँ तो 20-25 मिनट आ गए मैनू अगर बचा लो ये भाजी यार ने 25 मिनट का टाइम दिता तो 17-18 मिनट अच्छी पहुँच गए उदों मैं उत्थे मारकंडे मंदिर के कोने नहर के उत्ते खड़ा सी ते इन्हां ने मेरा दुख दर्द समझिया ते मैं सब व्यूअर नूं यही अपील करना चाहना भी घरेलू छोटी छोटी परेशानियां तो असी इन्ने वड्डे फैसले नहीं लैने भी सुसाइड कर लीए तो पिछों परिवार का बहुत वड्डा नुकसान हुंदा जीवन दोबारा नहीं मिलता। मैनू दो बार जीवन मिलिया है तीजी बार मैं अपना जीवन समाप्त करन लग्या सी
प्रगट भाजी ने ए टाइम से आ के मेरी मां फड़ ली, मैनू बचा लिया, नहीं तो अज मैं तुहाडे सामने लाइव नहीं होना सी, मेरी लाश तुसी लाइव वेख सकते सी। तो एक गल मैं होर छोटी जी अपील करांगा, जेडे छोटे छोटे करजे होण करके लोकी सुसाइड करन पहुँच जाते हैं नहरां ते, लख दो लख पंजा हज़ार का भी करजा, कई लोग मैं वेख्या भी तीह पंजा हज़ार के जां 2000 3000 10000 के करजा तक भी सुसाइड जां अपना जीवन नूं समाप्त कर लैंदे ने। वो करजे तो फिर भी परिवार ने पिछों उतारने ही होंदे ने, तो जीवन समाप्त करन नाल करजे नहीं उतरने। एक होर अपील मेरी लास्ट उच्चे भी नहरां दे नेड़े जिहड़े पिंड हैगे ने वह परिवार जिहड़े ने घरेलू कलह ना करन, क्योंकि वह जिहड़ा बंदा परेशान होंदा है नेड़े नहरां दे रहण जिहड़े वासी ने वह बंदा परेशान जिहड़ा नहरां वाली पसदा, जिवें मैं भी नेड़े नलवियों ही आया हाँ, चांसे दे नेड़े नलवी पैंदा सी ते मैं नहर वाली भज्जिया। तो मेरी अपील हैगी नहरां दे चांसे जां होर भी नहरां दे नेड़े रहिंदे जिहड़े ग्रामीण जां व्यूअर ने उन्हां नूं अपील है भी घर कलेश ना करो, तो जिहड़ा कलेश करन वाला बंदा जिहड़ा घरेलू कलह तो और जिहनूं परेशानी वह नहरां वाली पसदा। प्लीज नाले जिहड़े एक होर अपील करांगा, जिहड़े तैराक अजकल नहरां ते नहाउण आउंदे ने गर्मी दे विच, वह अपना ख्याल रखन, उन्हां दे परिवार अपने बच्चों के ख्याल रखन, बच्चे बड़े डूंगे पानी च तैरियां लांदे ने। प्लीज सो धन्नवाद भाजी प्रीतपाल सिंह जी का, जिन्हां ने अज मेरे टीम नूं सिर्फ 25 मिनट दिते कि 25 मिनट च अगर प्रगट सिंह वीर पहुंच सकते हो तो पहुंच लो, नहीं तो अज मैं दुनिया तो अलविदा हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे मरण तो बाद मेरी आखिरी नहर के किनारे मिलेगी मेरी एक्टिवा, जिहदा नंबर तुसी वेख के भावें पुलिस नूं मैसेज देना भावे मेरे परिवार नूं देना, लेकिन 25 मिनट मैं तुहानूं देना तुहाडी सेवा वा करके, तुहाडे जज्बे करके, तुहाडी अपील करके, क्योंकि मैं अक्सर तुहाडियां वीडियो वेखदा और मैं गुरु घर नाल भी काफ़ी हद तक जुड़िया, लेकिन भाजी ने दसिया कि ये सुनियारे का बहुत वड्डा इन्हां दा काम सी, बहुत वड्डा कारोबार सी, लॉकडाउन दे विच ओह काम भी खत्म हो गया, उस तो बाद इन्हां दी लुधियाणे दे विच तकरीबन 7-8 महीने दवाई दारू भी चलिया और उस तो बाद इन्हां नूं पैरालाइज हो गया, इन्हां दा पूरा शरीर डाक्टरां वल्लों भी नहीं आया, उस तो बाद एडे वड्डे दर्द तो बाद भाजी अजे उभरिया नहीं, उस तो बाद इन्हां दी जो धर्म पत्नी सी वाइफ भी वह भी दुनिया तो अलविदा हो गई, वह भी दुनिया तो चली गई, लेकिन अज फिर छोटे जे किसी घरेलू मामले नूं हालांकि पूरा सच असी नहीं कह सकते क्योंकि पूरा सच पता लगेगा दोस्तों इन्हां दे परिवार दे नाल, इन्हां दी मां, इन्हां दे भरा, इन्हां दे किसे अपने धी पुत्तर नूं मिलन तो बाद कि अक्सर भाजी का दर्द की है मैनू नहीं पता इन्हां दी घर दी कहानी की है, लेकिन मैनू सिर्फ एक गल का पता है कि अज मेरी सेवा बिल्कुल संपूर्ण तरीके तो सफल हुई है कि एक सिख दी एक इंसान दी एक इंसानी जीवन जो जिंदगी सिर्फ फिर एक बार मिलता सी एक होर जीवन बचाने दे विच कामयाब जरूर होया। 25 मिनट का भाजी ने टाइम दिता सी लेकिन 15 मिनटा दे विच 18 मिनटा दे विच साडी टीम दे नाल असी पहुँच गए और इन्हां दी एक्टिवा है जो झांसा नहर दे उत्ते इस टाइम खड़े ने सिंदरपुर, एक्टिवा झांसा नहर दे उत्ते पैरालाइज है, चलन तो भी ये काफ़ी हद तक बेचारे तंग ने, लेकिन इन्होंने कॉल करके विश्वास जताया सी कि भाजी 25 मिनट दे विच अगर नहर किनारे पहुंच के मेरी जान बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो उस तो बाद मेरी लाश ही तुहानू मिलेगी या मेरी एक्टिवा नहर किनारे मिलेगी। सो भाजी को असी अपनी टीम के नाल अपने गुरु जी नाल पहुंचे हाँ और भाजी ने एक बहुत वड्डा मैसेज भी दिता, मैं इन्हों का भी धन्यवाद करदा कि जिंदगी दे नाल जीना चाहिए संघर्ष करना चाहिए। सो धन्यवाद पूरे फेसबुक परिवार का, क्योंकि दोस्तों इन्होंने यह गल कही है कि जो मैं परसों तुहाडा वीडियो वेख्या सी, जो एक आपां वीडियो कीता सी भारती जिदा हसबैंड नहर दे विच इसे तरह डुबण आ गया सी, आपां उहदी जान बचाई, भारती नूं अपील की, भारती फिर छत्तीसगढ़ तो अपने परिवार कोल आई और उहदा जीवन अज बच गया, वह दो भी जी अपनी जिंदगी हसी खुशी जी रहे ने। उस वीडियो तो प्रेरित हो के भाजी ने आत्महत्या नहीं की, हालांकि 25 मिनट इन्होंने सानू जरूर दिते सन कि प्रगट भाजी मेरा आखिरी फोन है, लास्ट मेरा फोन है, 25 मिनट का मैं तुहानू टाइम देना, अगर कुरुक्षेत्र तो झांसा पहुँच सकते हो मेरी जान बचा सकते हो तो नहीं तो मेरी एक्टिवा तुहानू नहर ते खड़ी मिलेगी, मेरा मोबाइल मिलेगा, उस तो बाद पुलिस आवे परिवार आवे मैनू किसी चीज़ का पता नहीं। सो असी टीम के नाल महज 15 मिनटा दे विच इत्थे पहुँच चुके सां और भाजी का जीवन असी फिलहाल
बचा लिया। इस तो बाद हुण इन्हां दे किसी परिवार के मैंबर नूं बुलावांगे ताकि परिवार के जी इन्हां नूं आण के इत्थों लै जाण और भाजी नूं भी अपील करांगे। बड़ा सुलझा होया तुहाडा जीवन है, अच्छी तुहाडी सोच है, अच्छी पढ़ाई है, तुसीं बड़ियां चंगीआं गल्लां कीतीआं जिंदगी च, दोबारा तुसीं इहो जिहा कम नहीं करोगे। सो एक बार इन्हां दे परिवार नूं भी मिलांगे, पूरी सच्चाई परिवार नूं मिलन तो बाद सामने आएगी। दोस्तों फिलहाल फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह नाल जुड़ो और ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो नूं शेयर करो ताकि ये वीडियो साड़ी बहुत वड्डा एक मैसेज बने समाज वास्ते, दुनिया वास्ते, और इस तरह असीं हज़ारां जाना बचाते रहिए। सो लाइव आ झांसा, झांसा पहुंचे दोस्तों टीम गोताखोर प्रगट सिंह, ऑनलाइन फ्री सेवा 97-293-991-70-825-775-83-980-33-584 97-293-74-991 साड़ी टीम दे नंबर ने। और अगर तुसी नहर किनारे अपने परिवार नाल जा रहे हो, तुहाडे अगे कोई इहो जिहा कोई लेडीज या कोई जेंट्स या बजुर्ग या नहर दे विच गां नीलगां कुछ भी नहर नाल जुड़िया तुहानू नज़र आंदा तो तुसी साडी टीम नूं फोन कर सकदे हो, साडी टीम पहुंचेगी और इसे तरह अपनी सेवा नूं सफल करदी रहेगी। सो सब तो पहला भाजी प्रीतपाल सिंह जी का धन्यवाद जिन्होंने नहर दे उत्ते 25 मिनट सानू दिते, 25 मिनट अपना जीवन बचा के रखिया। नहीं तो दोस्तों अक्सर वेने असी कि आंधी लोग अपना साधन खड़ा करते ने और सीधा नहर दे विच सुसाइड कर लेंगे ने, आत्महत्या कर लेने, बाद चो सानू इसे तरह एक्टिवा या मोटरसाइकलां जुत्तियां चप्पलां मिलदियां ने, पुलिस आंदी उस तो बाद पता नहीं लाश कित्थे मिलदी। लेकिन भाजी ने 25 मिनट सानू दिते और धन्नवाद मेरी टीम दा, मेरे गुरु जी दा, जो असी 25 दी बजाय दोस्तों 22-23 किलोमीटर मेरा पिंड दब खेड़ी ज्योति सर, दब खेड़ी दारसी गोखपुर झांसा 6 पुल महज 17-18 मिनटां 'च असी टप के भाजी दा जान बचा सके हां, भाजी प्रीतपाल दी, और साड़ी भी सेवा संपूर्ण तरीके नाल सफल है। सो सारे फेसबुक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, इसे तरह चैनल नाल जुड़े जाओ और वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा परिवारों तक साडे नंबर पहुँचन और साड़ी सेवा सफल होवे, जिवें एक जान असी अज होर बचा पाए हाँ। सो सारे फेसबुक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, इसे तरह चैनल नाल जुड़े रहो और टीम गोताखोर प्रगट सिंह दे नाल संपर्क रखो और फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह दे नाल जुड़ो ताकि नहरां नाल जुड़ी नहरां दे विच्चों मिलन वाली हर वारस लवारस लाश की जानकारी, नहरां दे विच्चों मिलन वाले मगरमच्छ मोटरसाइकलां, नहरां नाल जुड़ी हर खबर की जानकारी तुहाडे तक पहुँचती रहे। सो अज फिर टीम एक जीवन बचा सकी है, सो टीम का धन्यवाद भाजी प्रीतपाल सिंह शाहबाद, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करदा भाजी का भी जिन्होंने सानू 25 मिनट दिते, भरोसा जताया और असी इन्हों का जीवन बचा सके हाँ। सो भाजी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद तुहाडा जी, मेरा जीवन बचा लिया तुसी, नहीं तुसी 25 मिनट बिल्कुल बिल्कुल मैं तुहाडा दुख समझदा, लेकिन तुसी मैनूं 25 मिनट दा टाइम दित्ता सी ते तुसी शायद 17-18 मिंट विच पहुंच के मेरा जीवन बचा लिया। अज असी 18 मिंटां च इन्नी मोटरसाइकिल भजाई क्योंकि असी एक जीवन एक जिंदगी दी कीमत समझदे हां, क्योंकि जिन्हां दे विचारियां दे अज तक दुनिया दे विच नहीं रहे, जिन्हां दे मर चुके ने उन्हां नूं तुहाडी इस वीडियो दा, तुहाडे इस मैसेज दी कदर पता लगेगी। मैं भी यही चाहता सी भी मेरे वालों एक मैसेज उन्हां नूं जाए जिहड़े छोटे छोटे घरेलू कलह तो परेशान हो के सुसाइड करन चले जाते हैं, एक बड़ा वधिया मैसेज जी, तुहानूं मैसेज पसंद आया होए तो इस वीडियो नूं अगे शेयर करो। धन्यवाद भाजी, धन्यवाद प्रगट जी दा, मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू। एक जीवन तुसी साडे लेखे लाया और अपनी जिंदगी भी बचाई, दुकान ते हां जी जरूर आवांगे भाजी, तुहाडे घर भी आवांगे, तुहाडे परिवार नाल भी गल करांगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद तुसी साडी 25 मिनट दे के, और चलो साडा भी बड़ी सी दिल होला हो गया, हां जो ना कदी कदम चुकना है, हां बिल्कुल बिल्कुल गल रिपीट करना कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखिया, मैं अगे जो परेशान था जो जरूर सोचता था, फिर सोची दा सी सारा कुछ बेच बचा के मेरा जीवन बचिया, पिछो जनानी का की बनेगा, पर यह नहीं पता सी बेचारी वह भी मेरे तो पहले ही चल वसनी। सो भाजी और आदा दर्द तुसी समझ सकते हो, लेकिन भाजी ने अज 25 मिनट सानू टीम नू फोन किया कि अगर मैनू बचा सकते हो तो बचा लो, टीम पहुंची इन्हों बचाया। सो सारे फेसबुक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह लाइव नाल जुड़े रहो और इस वीडियो नू हर ग्रुप के शेयर जरूर करो ताकि ये बहुत वड्डा समाज वास्ते मैसेज बरे और ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक साडे नंबर जा। अगर इस तरह असी एक दो होर जाना बचाने तो साडी सेवा साडी टीम इस तरह सफल होंदी है। सारे फेसबुक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये भाजी होरां दी एक्टिवा है जो नहर किनारे
अज शायद सानू लवारिस मिलती और उस तो बाद पता नहीं इन्हों की जिंदगी नाल की हुंदा। सो भाजी प्रीतपाल होर का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी सुरेंद्र सिंदर नरिंदर गुरविंदर मामू राम किरमच और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा तो ज़्यादा फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह फॉलो कर लो, जुड़ जाओ और इस वीडियो हर ग्रुप शेयर जरूर करो।